नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। संभावित मंत्रियों को कॉल जाना देखिए शुरू हो चुकी है। अमित शाह को कैबिनेट में जगह के लिए कॉल किया है। जो सूत्र सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक राजनाथ सिंह को भी कैबिनेट मंत्री के लिए कॉल किया। नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी को भी कॉल किया है। शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल आया है। मनसुख भाई मांडविया को भी कॉल आया। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव फिर से बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो मनसुख मांडविया समेत तमाम ऐसे चेहरे जिनको दोबारा से मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रावेर से सांसद रक्षा खड़से को भी कॉल किया। निर्मला सीतारमण को भी कॉल किया है। अर्जुन राम मेघवाल को भी कॉल किया। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री बनेंगे। टीडीपी से पी चंद्रशेखर को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीएस के कुमार स्वामी को भी कैबिनेट के लिए कॉल किया है। इसके अलावा झारखंड से एजीएस एसयू आजसू के सुदेश महतो भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उनको भी कॉल जा चुका है। जीतन राम मांझी को भी कॉल आया है। नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर, करीब आपको बता दें कि आधे घंटे बाद पीएम चाय पर चर्चा करने वाले हैं। तो करीब आधे घंटे बाद, चूंकि 11:30 बजे का जो समय है वो दिया गया है, तो करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करेंगे। मनोहर लाल खट्टर को भी बुला लिया गया है। राव इंद्रजीत, किरण रिजिजू को भी चाय पर बुलाया गया। नई सरकार की शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर एक और आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी है। जी हां, अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। तो एक तरफ तो आज आधे घंटे बाद देखिए एक मीटिंग होने जा रही है, चाय पर चर्चा होगी, नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, और वहीं दूसरी ओर अमित शाह के आवास पर मीटिंग चल रही है। तो आज शाम पीएम